अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वरकातुहू। यहाँ मेरा टॉपिक जो है वो है तलाक और घरेलू तशद्दुद के बच्चों पर होने वाले असरात। मोजेज नाजरीन, आप जानते हैं कि शादी जो है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ज़रिए से लीगल हैसियत में बाज़ाब्ता ऐलान के साथ जो शादी और जो मैरिजेस होती हैं उनके कुछ मकासद होते हैं। जिस तरह के निकाह के मकसद में ये बात शामिल है कि मर्द और खातून की दोनों की इंटीमेसी यानी कि दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए राहत का सामान वो बने और ख़ानदान जो है वो ख़ानदान बच्चों के लिए जो है निकाह का जो असल का जो मकसद एक मकसद है वो है बच्चों की पैदाइश और ख़ानदान का इस्तेहकाम। ख़ानदान बच्चे जो होते हैं, नस्ल जो होती है, वो नस्ल को प्रोटेक्शन देने के लिए नस्ल को बहुत मोहब्बत से परवान चढ़ाने, उनकी सलाहियतों के साथ उनको तरबियत देने, सालेह बनाने के लिए जितना दीन का बड़ा हिस्सा अगर आप मुताला करें तो इसमें आप पाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नस्लों की प्रायोरिटी को बहुत अहमियत दी है। मिसाल के तौर पर मग़रिबी दुनिया में नस्लों की प्रायोरिटी की उतनी अहमियत नहीं है, तो हम देखते हैं कि माओं को ये पता नहीं होता है कि इन बच्चों के वालिद कौन है, जबकि वहीं इस्लाम इसमें इंतहाई सेंसिटिविटी रखता है कि वो बच्चे जो एक माँ बाप के हैं वो वालिदैन उनके ज़िम्मेदार हैं। बीवी को की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शोहर को दी है, उसे कवाम बनाया, बीवी को अपने बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी उन्हें दी है। तो गोया कि अगर मौजूदा सिस्टम को समझे तो दोनों मियाँ और बीवी को इंतहाई रूहानी ताल्लुक के साथ जोड़कर ख़ानदान के मुस्तहकम करने और उनमें बच्चों की परवरिश करने के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रोग्राम पूरा समाज को चलने के लिए दिया जिसे हम ख़ानदान कहते हैं और जिसकी इब्तदा निकाह से होती है। निकाह के बाद जो है मियाँ और बीवी का सबसे बुनियादी मकसद दोनों की अपनी ज़िंदगी की खुशहाली, एक दूसरे के साथ ताउन करना, रूहानी खुशी, मोहब्बत, मुआदत, एहतराम, ये मियाँ बीवी के दरमियान रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये कि उन दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ मलाइबत मोहब्बत के साथ आपस में अपना रिश्ता उस्तवार करना आना चाहिए। नागुजीर हालात में जब नफसियाती तौर पर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे को नापसंद करते हों और अगर वो चाहते हों कि हम जो हैं वो चाहते हों कि हम एक साथ ज़िंदगी गुजारा नहीं कर सकते और हमारे दरमियान ना इत्तफाकी ना चाकी तूल पकड़ती जा रही है, तो शोहर को अहसन तरीके से अलहदगी अख्तियार करने के लिए तलाक का हक दिया। और वहीं पर खातून की तरफ से अगर इस तरह की कोई शिकायत हो तो वो अलहदगी अख्तियार करने के लिए अपने खुला का हक इस्तेमाल कर सकती है। ये एक निज़ाम है, सिस्टम है, इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी ताल्लुकात को उस्तवार करने का फ़न इंसान खोता जा रहा है। हम जो मादी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुल्तफित हैं, मादी चीज़ों की तरफ, या हम डिवाइसेस के इस्तेमाल की वजह से हमारी तरजीहात बदल गई हैं और हम इंसानी मेंटल हेल्थ इंसानों के डिस्टर्ब हो गई है, तो ऐसी सूरत में एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे के साथ में के चीज़ों को टॉलरेट करना, कुव्वत बर्दाश्त ये कम हो गई है। और मियाँ बीवी के नाचाकी नाइतफाक़ी तवक्कात का बहुत ज़्यादा रखना, तवक्कात पूरे ना होने की सूरत में अलहदगी अख्तियार करना और ख़ानदानों का टूट फूट जाना, बिखर जाना, ये आम बात बनती जा रही है। ख़ानदान के बिखराव में सबसे बड़ा नुकसान होता है उन बच्चों का। ख़ानदान के इस्तेहकाम का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो उस औलाद का है जो उन सालेह माँ बाप के गोदों में पलती और बढ़ती हैं। इसी तरह माँ बाप की नाचाकी नाइतफाकी और उन दोनों के टकराव और तशद्दुद करना, किसी शख्स का जुल्म रवा रखना मर्द का औरत पर, या औरत की ज़्यादतियाँ मर्द पर हों, या दोनों मियाँ बीवी में नाचाकी नाइतफाकी रहती हो, या तलाक तक नौबत आती हो या खुला तक नौबत आती हो, इसकी जद सबसे बड़ी पड़ती है बच्चों पर। दरअसल बच्चे जो हैं, एक किताब है पेरेंट्स बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट, इसका आप मुताला करें, इसके जो राइटर हैं वो है हैम एंड गिनोट। इनका अगर आप मुताला करें तो बच्चों के दरमियान, जो बच्चे वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन होता है। हेल्दी कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? अच्छा तालमेल, अच्छी तरसील। तो सबसे बेहतरीन तरसील इंसान की अमल की तरसील है। जैसा कि हम सीरत से इस बात को अख़्स करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है दावती पैगाम अपने अमल से था। आप सबसे पहले अमीन और सादिक और अमीन कहलाते थे, तो मतलब ये जो पैगाम था अमली पैगाम था।
अमली पैदा पैगाम के असरात बहुत देर पा देर देर दूर रस होते हैं और बच्चों पर भी अच्छे मुंतकिल होते हैं। तो अमली पैगाम वालिदैन का दोनों का एक दूसरे के साथ एहतराम, मोहब्बत और मुआदत, एक दूसरे को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, चीज़ों को स्पेस देना और एक दूसरे को जगह देना, एतमाद एक दूसरे का बरकरार रखना और अगर कोई खता हो जाए तो उस पर बड़ा दिल करना, ये सारी चीज़ें बच्चों की खूबियां भी बनती चली जाती हैं जब वालिदैन के दरमियान होती हैं। उसी के बिलमुकाबल उसके बरअक्स वालिदैन में मतलब जल्द खफा होना, एक दूसरे से शिकायती नेचर का होना, तवक्कात का वाबस्ता करना, पूरा न होने पर झुंझलाना या फिर किसी भी चीज़ पर शिकायत करना, बहुत ज़्यादा करना और शाकी होने का अंदाज दर्ज करवाना, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट और गुस्सा, नफरत, अदम एतमाद, ये सारी चीज़ें बच्चों के ऊपर असरात मुरतब करती हैं। अब हम इसको देखेंगे कि माहिरीन नफ्सियात ने बच्चों पर ब्रोकन होम के जो असरात इनलिस्ट किए हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो जिन असरात की हम बात करेंगे यहाँ, तो सबसे पहला असर जब बच्चे वालिदैन को लड़ता हुआ देखते हैं तो वो बच्चे भी वालिदैन की तरह इमिटेट करते हैं और उनकी जो कैफियत होती है वो मिररिंग होती है, वो जैसे कि हम अपनी शक्ल आईने में देख रहे हों तो वालिदैन को देखते हैं, उनमें से कोई फर्द एक डोमिनेटिंग है बहुत ज़्यादा और ह्यूमिलेट करता है, यानी कि शोहर मर्द को बहुत तकलीफ देती है, तंग करती है, सताती है, तो और मतलब सताता है मर्द बहुत ज़्यादा, या बीवी को वेटेज नहीं देता, अहमियत नहीं देता, बात बात पर उसको गाली देता है या बाल नोच रहा है या थप्पड़ मार देता है या छोटे छोटे पैसों पर झगड़ा हो रहा है या खाने पकाने की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तंबी और सख्ती बढ़ती जा रही है या फिर कहीं जाने पर मैके जाने पर बीवी लड़ रही है, शादी ब्याह के चीज़ों में अखराजात पर बीवी लड़ रही है या शोहर लड़ रहा हो, इन सब चीज़ों से बच्चे जो हैं इमिटेट करके दो कैरेक्टर परसीव करते हैं, नंबर एक खौफ का कैरेक्टर और नंबर दो डोमिनेशन जुल्म का कैरेक्टर। वो अगर पावरफुल हों, बाएतमाद हों तो वो जुल्म का जालिमाना कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हैं और सोचते हैं कि उसी किरदार को वो अपनाएंगे। दूसरा किरदार जो वो अपनाते हैं वो है मजलूमियत का किरदार, यानी कि हर बात से वो खौफ खाते हैं और उनका वो खौफ उमूमन ऐसे होता है, जेंडर बेस पर लड़कियां मजलूमाना किरदार को कबूल कर लेती हैं और लड़के जो हैं वो जालिमाना किरदार को कबूल कर लेते हैं। तो ये जो कैफियत वालिदैन की होती है घर में तशद्दुद की, घर में झगड़े की, नाचाकी और चपकलेश की और एक दूसरे से शिकायत करना, उमूमन मजलूम जो है वो रास्ता पीछे से वार करने का इख्तियार करता है, औरतें शोहर की बुराई बच्चों के सामने शोहर के गयाब में करती हैं, फिर वो जो बुराई वो गयाब में करती हैं उस बुराई को मिनवन कबूल करने से बच्चों का परसेप्शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, सिनफी तफरीक का बन जाता है कि मर्द जालिम होते हैं, औरत मजलूम होती है, औरत को पैदा ही नहीं होना चाहिए, औरत हमेशा जुल्म सहती है, उसमें जो है खुद तरसी आ जाती है, खुद पर रहम खाना शुरू कर देते हैं और फिर वो क्या करते हैं इस सिले में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो ये जो ओवर थिंकिंग करते हैं उसके अलावा जारह हो जाते हैं, कभी कभी वो शाय हो जाते हैं, कभी एतमाद उनका नहीं रह पाता है, फिर उनका एतमाद जब जाहिल हो जाता है तो उनकी जो लर्निंग पैटर्न्स है यानी कि सीखने के मराहिल हैं वो बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट बनते जाते हैं। होता यूँ है कि घर में होने वाले झगड़े में बच्चे का दिमाग उलझ जाता है, वो क्लासरूम में बहुत उम्दा बात कही है हमारे एक मुफक्किर तालीम ने कि क्लासरूम डिसिप्लिन उमूमन पेरेंट्स समझते हैं कि वो टीचर के कंट्रोल में होता है, जबकि बच्चे के दिमाग में कोई बात चल रही हो तो क्लासरूम डिसिप्लिन और क्लास में कुछ चीज़ों के मालूमात को हासिल करने में सबसे बड़ी मज़ाहिमत, सबसे बड़ा बैरियर बच्चों के दिमाग में चलने वाली एक्टिविटी होती है, मतलब उनकी लर्निंग में ये चीज़ें बहुत बड़ी मज़ाहिमत बनती हैं कि वो अपने वालिदैन की लड़ाइयों पर सोच रहे हैं, वो जज नहीं कर पाते हैं कि माँ दुरुस्त है या बाप दुरुस्त है, लेकिन दोनों के बारे में अगर वो जज कर लें कि बाप जालिम है और माँ मजलूम थी तो बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर वो ये जज ना कर पाए कि कौन दुरुस्त है, किसका साथ देना चाहिए, तो ये उससे भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि बच्चे इस पर घंटों सोचते हैं, अपने सोच की पूरी कुव्वत को मुज्तमा करके सिर्फ उसी बात पर फोकस करते हैं कि ये घर के झगड़े किस तरह खत्म होंगे, और ये चीज उन्हें एहसास महरूमी का शिकार बना देती है। आप देखते हैं कोई कुछ बच्चे जो दांत में उंगली लेकर अपने नाखून कतर रहे हैं, एहसास महरूमी की एक सिग्नल है। बाज बच्चे बाल नोच रहे हैं, वो भी एहसास महरूमी का सिग्नल है।
दूसरे को टीस कर रहे हैं, किसी को काटते हैं तो जोर से काट लेते हैं, या फिर किसी बच्चे किसी स्कूल में कोई बात हो जाए तो उसको तकलीफ देते हैं। तो ये तो वो सिग्नल्स हैं जो जा रहे बच्चों के अंदर पैदा हो रहे हैं वालिदैन के नाचाकी झगड़े और चपकलिश की वजह से। ओवर थिंकिंग, वो बहुत ज्यादा थिंक करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को, ताल्लुकात को सोचते हैं, और आखिर उनका दिमाग फटीक का शिकार हो जाता है। फटीक इन्हें, वो थक जाता है सोचने से। अब उनके पास अपनी तामीरी सोच, अल्फाबेटिकल अल्फाज जोड़कर आवाज निकालना, बामाना हरूफ को जोड़ना, या किसी चीज को लर्न करना, हासिल करना, वो खुशी कोई माना उनकी जिंदगी में नहीं रखती है। आप देखें बच्चों को जब तकरीर याद कर लेते हैं तो तकरीर याद करने के बाद कितना खुश होते हैं कि ये उनका अचीवमेंट है। लेकिन वो बच्चे जिनके घर में ब्रोकन होम चाइल्ड कहते हैं, जिसे जिनके घर में वालिदैन की चपकलश चलती है, नाचाकी चलती है, या जाहिर बजाहिर में कुछ नहीं होता है लेकिन माएं जो है पीछे फीडअप करती रहती हैं कि हमारे वालिद अच्छे नहीं है, खराब है, तो ये सारी चीजें जो है उनके दरमियान एक तकलीफ का बायस बनती है और वो पेन उनके दिल में उतर जाता है, वो मायूस रहने लगते हैं। फिर वो उनके अंदर सबसे बड़ी चीज उनमें फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी कि उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। हमेशा उन्हें ये लगता है कि अगर वालिद ने तलाक दे दिया तो मेरी माँ नहीं रहेगी, या माँ इतना ज्यादा मेरे वालिद मारते हैं, कहीं माँ मर ही ना जाए। तो कई ऐसे किताब है, डॉक्टर गॉटमैन भी हैं और डॉक्टर गोलमैन भी हैं और ये डॉक्टर गिनोट भी हैं, ये अपनी किताबों में लिखते हैं कि बाज बच्चे इतना ज्यादा खौफ का शिकार होते हैं कि जब पेरेंट्स सो रहे हों तो उनके सोते हुए में जाकर चेक करते हैं कि उनके वालिदा को का इंतकाल तो नहीं हो गया, कहीं वो खत्म तो नहीं हो गई। तो ये जो साइन है बच्चों के अंदर जो पैदा हुई है, ये एहसास इनसिक्योरिटी है, अदम तहफ्फुज़ का एहसास है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है। ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत मामूली चीज नहीं है, ये बहुत तकलीफदा चीज होती है उन बच्चों के लिए, फिर उनकी लर्निंग में ये बहुत बड़ा बैरियर मज़ाहमत साबित होती है। इसी तरह उनके पास जो है कुव्वत फैसला उनकी कमजोर हो जाती है, क्योंकि हर लम्हा उन्हें खौफ लाहक होता है। मिसाल के तौर पर क्लासरूम में वो जवाब दे रहे हैं तो हेजिटेट होते हैं कि मेरा सवाल आया दुरुस्त है या गलत, और ये खौफ उनको किसी भी किस्म के जवाब देने, अचीवमेंट पे खुश होने, या किसी पर एतमाद करने में माने होता है। उनके अंदर जो फैसला करने की सलाहियत है वो इस कदर मुतासिर होती है कि वो जो है अपने किसी बात पर फैसला नहीं कर पाते हैं। फिर ना सिर्फ ये, बच्चे जब तलाक हो जाती है, माएं अलग हो जाती हैं, सिंगल पेरेंट भी एक किताब है, गिनोट की ही है। सिंगल पेरेंट बुक आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक माँ बहुत सफर होती है। तो सबसे बड़ी चीज जो बच्चे के अंदर पैदा होती है, अगर माँ बच्चे की परवरिश कर रही हो तो वालिद के लिए या जेंडर के लिए उसके दिल में नफरत पैदा हो जाती है। और अगर वो अगर किसी बाप परवरिश कर रहा हो और माँ सिंगल पेरेंट बाप हो और माँ चली गई हो छोड़कर, तो माँ के लिए यानी कि उस अपोजिट जेंडर के लिए उस बच्चे के दिल में नफरत पैदा हो जाती है, और वो ये समझते हैं कि हर माँ ऐसा होती हैं। फिर दूसरी अहम बात ये कि बच्चे जब घर में चपकलिश का माहौल झेले या ब्रोकन होम चाइल्ड हो जिनके तलाक और खुला वाकई हो गई हो, तो वो बच्चे मुस्तकिल अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, और कंपेरिजन की वजह से इंटरनल कंपेरिजन उनके दिमाग में चलता है। ये खुश हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स खुश हैं, उसके डैडी ने उसको शॉपिंग करवाई है, मेरे पास तो डैडी नहीं है, उनकी मदर ने खाना बनाकर टिफिन दिया है, मेरी माँ तो जगह पर मौजूद नहीं है। तो ये कंपैरिजन बच्चों को, उसको कहते हैं मेंटल हैजार्ड, इतनी बड़े दिमागी नुकसान का सबब बनता है कि बच्चे की जिंदगी के अंदर की वो स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, वो अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबिलिटी और फिजिकल फिटनेस मुतासिर होती है। फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें लर्निंग में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। लर्निंग कहते हैं आमोजिश और इक्तसाबी अमल को। बंदा हर लम्हा सेकंड्स में कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। वालिदैन से कोई बात देखा तो सीख लिया, स्कूल के बच्चों से देखकर सीख लिया, अपने पीयर ग्रुप की नकाली करके सीख लिया, दादा नानी और चाचा को माहौल में हमारे वीडियोस देखने में सीख लिया, किसी भी तरह सीख लिया। तो ये सीखने वाले पैटर्न्स में बच्चे की फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्टेबिलिटी, ये दोनों बहुत बड़ा बैरियर ममानियत और बहुत बड़ी मजाहिमत साबित होते हैं। क्योंकि बच्चे के दिमाग में जब वो देर तक सोचता है तो फिजिकली फिट नहीं होता है, और जब वो फिजिकली फिट नहीं होता है तो फिर उसके सहर में दर्द होना शुरू होता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता, उसका कॉन्सेंट्रेशन का जो दौरानिया है वो बहुत छोटा हो जाता है, और बहुत तवील हो जाए वो भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि दिमाग बहुत देर तक एक ही बात पर फोकस होता है, दूसरी चीजों को समझ नहीं पाता। इस तरह उनकी लर्निंग मुतासिर हो जाती है, उनका आईक्यू लेवल कम हो जाता है, वो अपने बच्चों के मुकाबले में दूसरों से कमजोर हो जाते हैं।
आपको दूसरा वाला पैटर्न बच्चों का मिलेगा, मेंटल प्रोसेस है हर एक का अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ब्रोकन होम चाइल्ड होते हैं, वो बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, लेकिन उनके अंदर आप एंजाइटी पाएंगे। उनमें एंजाइटी होती है, यानी कि उनको वो ऐसा लगता है कि वो बोलते रहें ताकि दूसरे को सुन न सके, क्योंकि उन्होंने बचपन में बड़े तेज आवाज से झगड़े सुने हैं, अपनी आधी अध कच्ची नींद के अंदर माँ और बाप की चीखें सुनी हैं, या फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों के दरमियान दोनों की अलहदगी की गुफ्तगू सुनी है। तो वो इन सब चीजों की वजह से साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा इनसिक्योर होते हैं कि वो समझते हैं कि अतराफ की वो आवाजें जो उन्होंने बचपन में सुनी है और जो बार बार उन्हें परेशान कर रही हैं, वो आवाजों कहीं मादूम हो जाए और वो बहुत ओवर एंजाइटी, ओवर एक्टिव और हाइपर एक्टिव नजर आने की कोशिश करते हैं। बच्चे खुद इस तरह की उनकी कैफियत हो जाती है। फिर इसी के साथ साथ उनमें मतलब उनके अंदर जो है इंजॉय करने की सलाहियत पैदा नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर माँ घर पर आने के बाद, स्कूल से जब बच्चा घर पर आता है तो माँ दरवाजा खोलती है, उसको गले लगाती है, इस्तकबाल करती है और उससे अपने स्कूल के बारे में होने वाली कैफियत को पता करती है, पूछती है, टिफिन चेक करती है, आपने खाना खाया या नहीं खाया। इसी के साथ वो उसके कपड़े चेंज करवाती है, यूनिफॉर्म चेंज करवाती है और फिर वो उसको कल के लिए तैयार करती है कि होमवर्क कर लेंगे। इस तरह से एक प्रोसेस होता है मदर की मौजूदगी में। जितना फ्रेश माइंड माँ का होता है उतना फ्रेश माइंड बच्चे का होता है, और वो फ्रेशनेस जो उसका इस्तकबाल है, वो कैफियत उसको पुरएतमाद बनाती है और उसका एतमाद बहाल रहता है। इसके बरक्स अगर माँ घर में ना हो या वालिद घर में ना हो, दोनों में से कोई एक मिसिंग हो, तो माँ के इस्तकबाल करने के अंदाज में फर्क आएगा। माँ की अदम, शोहर की अदम मौजूदगी या शोहर का तलाक या खुला वाक़ हो के अलहदा हो जाना एक औरत को इतना डिप्रेस रखता है कि वो बच्चे का इस्तकबाल पूरी तवज्जो के साथ नहीं कर पाती है। इस तरह बीमार माओं के भी बहुत सारे इफेक्ट बच्चों पर पड़ते हैं। अगर माँ बीमार हो तो उसका भी मतलब ये इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा जो है मतलब माँ को उतना एनर्जेटिक नहीं पाता है, तो फिर बच्चे के अंदर वो चीजों में इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है। तो ये बच्चा जो है इंजॉय नहीं कर पाता है लाइफ में, क्योंकि उसको बचपन से ही दबाव में वो है कि उसके पास पेरेंट्स में से कोई एक मिसिंग है, और वो जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी माँ का है वो बच्चे में मुंतकिल हो जाता है। बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, इस बुक में डॉक्टर गिनूच ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि बच्चे और वालिदैन के दरमियान एक अनडिक्लेयर अनस्पीक मुकालमा होता है, जिसमें माँ के आंखों में चमक और उसकी एनर्जेटिक फीलिंग से ही बच्चा एनर्जेटिक फील होता है, समझता है कोई परेशानी नहीं है और वो अच्छा ग्रो होता है। लेकिन अगर वही अनडिक्लेयर मुकालमे में माँ डम हो, डल हो और बहुत सारे नफसियाती मसाइल से जूझ रही हो, तो माँ की वो अनडिक्लेयर मुकालमा बच्चे में मुंतकिल हो जाता है, वो भी मायूस होता है, वो भी इस तरह वो तकलीफदा पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरता है। अब आता है वो एज जब बच्चा टीन एज होता है। टीन एज में बच्चे के साथ दो प्रॉब्लम चल रही होती हैं। नंबर एक के बच्चा जो है अपनी जाती फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ भी फोकस होता है, और इंटरनल एक्सटर्नल जो मसाइल चल रहे हैं पेरेंट्स के, वो भी मसाइल होते हैं। उसका डिफेंस मैकेनिज्म उसको एक्सटर्नल मसाइल से फरार इख्तियार करवाता है, वो भागने लगता है एक्सटर्नल मसाइल से, यानी माँ की शिकायत, बाप की शिकायत, बाप की शिकायत, माँ की शिकायत, इससे वो भाग कर तन्हाई पसंद बन जाता है। और फिर वो कोशिश करता है कि मैं जो एक्सटर्नल मसाइल हैं वो इतने ज्यादा हैं क्योंकि उसने बचपन से इंजॉय नहीं किया। इंजॉयमेंट ये होता है कि माँ को इंजॉय कर रहा है, खाना खाते वक्त अच्छा मुकालमा इंजॉय कर रहा है, उसको बहुत पीसफुल महसूस हो रहा है, उसका अलहदा रूम है, वो अच्छे से बेड पे सोता है, वो पढ़ता है, अचीवमेंट का एहसास है, उसके बारे में अच्छी गुफ्तगू है और वालिदैन का पूरा फोकस बच्चे हैं। वो उसके बरक्स बिल्कुल वो सोचता है कि उस पर किसी की तवज्जो नहीं है, माँ अपनी जिंदगी के मसाइल और बाप अपनी जिंदगी के मसाइल में जूझ रहा है। तो उसको ये एहसास ही होता है कि उसने जिंदगी को इंजॉय नहीं किया। वो वही बच्चे जो वालिदैन की तवज्जो नहीं पाते हैं, जो वालिदैन की मतलब ला के साथ जिंदगी में फैसिनेटिंग लम्हात नहीं गुजार पाते हैं, वही बच्चे फिर अपने टीन एज में सेक्सुअल अफेयर्स की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जिंदगी इंजॉयमेंट का नाम है और मुझे मुखालिफ जेंडर में जो जॉय फील हो रहा है, जो मेरे अर्जेस के सेटल डाउन करके मुझे जो अच्छा फील हो रहा है, तो मैं इस फीलिंग को अपने ऊपर गालिब रखूं ताकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मेरे सामने ना आए। तो वो वालिदैन जो झगड़ा करते हैं, जो अपने जिंदगी के मामलात को डील नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट करने का उनका जो अंदाज कम हो जाता है, यही सब चीजें इंतहा से ज्यादा तकलीफदा बच्चों के ऊपर बोझ बनती हैं और फिर बच्चे जो हैं क्राइम की तरफ जाने लगते हैं, जैसे कि बद अखलाकी उनके अंदर शामिल हो जाती है, वो किसी के कमिटमेंट को निभा नहीं पाते हैं,
फिर वो जो है मतलब ऐसे ही टाइम पास सेक्चुअल अफेयर्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर अभी आजकल जो है डिवाइसेस में गेम है, क्योंकि इंसान का डिफेंस मैकेनिज्म जो है बहुत तकलीफदेह और पेनफुल चीजों को बिल्कुल चेंज कर देता है और उसको सेंसिटाइज करके उसको इस बात की तरफ ले आता है कि जो चीज अच्छी लग रही है वो करने लगे, तो फिर वो इस तरह के जरायम को कबूल कर लेते हैं। तो वो वालिदैन जो तलाक और खुला के मसाइल की वजह से अपने जात में इतना उलझ गए हैं कि उनके जो सरफ नजर कर रहे हैं बच्चों की नफ्सियात, बच्चों की जिंदगी, बच्चों को ग्रो करना, तो उन्हें चाहिए कि सिंगल पेरेंट्स कोई चीज नहीं होती इल्ला ये कि अल्लाह खुद चाहे। और वो अल्लाह जब किसी बच्चे को यतीम करता है तो उसकी माँ पर वो ताकत अता करता है, कुव्वत अता करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मुतनफ्फिस पर उसकी मकदरत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। किसी की माँ ले ले तो वालिद में कैपेसिटी देता है, और किसी का वालिद ले ले तो माँ में देता है। उसके अलावा जितने भी सेटलमेंट्स हैं जिसमें बच्चे मौजूद हैं, तो उसके सेटलमेंट्स में एक स्ट्रगल है जो एक सिंगल पेरेंट को करनी होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो दोनों को अलग अलग महाज बनाने के बजाय अपने बच्चों की खातिर और आखिरत की खातिर मोहब्बत, मुआदत, एहतराम, सलीका मंदी, कुव्वत बर्दाश्त और एक दूसरे की इज्जत मोहब्बत के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, और हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए कि जो नस्लें अल्लाह ने हमें दी है ये एक अजीम अमानत है, इस अमानत में हमारी जात से कोई खयानत ना हो जाए, क्योंकि बच्चों की सलाहियतों का जिया भी नस्ल इंसानी से बहुत बड़ी खयानत है। आखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल नाजरीन, सफ़ा ऑनलाइन की कोशिशें दरअसल दीनी तालीमात को डिजिटल दौर में बेहतर अंदाज में पेश करने की एक कोशिश है। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है तो आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों में शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, मुतल्लिकिन को फॉरवर्ड करें। ये एक दीनी तहरीक है, इसमें आपका तआवुन हमारे लिए बहुत अहम है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।